बोलिए भारत माता की, पीछे तक आवाज आनी चाहिए, भारत माता की। सतीश पूनिया, सतीश पूनिया, सतीश पूनिया, बीजेपी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा। माननीय अध्यक्ष जी, सब लोगों ने बात करी रीट की, चीट की, सब लोगों ने बात करी भ्रष्टाचार की, सब लोगों ने बात करी आम जन के साथ अन्याय की, सब ने बात करी महिला अत्याचार की, सब ने बात करी कि लोग भूखे मर रहे हैं, उनकी व्यवस्था नहीं, भारत सरकार के सहारे लोग अपना जीवन जीते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा अध्यक्ष जी, मैं ये जब अशोक गहलोत जी ने बजट अपना पेश किया और उस बजट में जब पुरानी कहानी को पढ़ने लगे तो उन्हीं दिनों में माननीय अध्यक्ष जी जब ये बजट हुआ उसके तुरंत बाद एक यूपी का नाई मेरे गांव में आया था। उस यूपी के नाई ने कहा कि भाई जवाहर सिंह जी ऐसे ही मैं नया कि पिटो पिटो बचा तुम्हारे गांव में। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ कि जब मैं पीली चिट्ठी यहां लेके आया था तो उस समय का जमाना था जब हाईटेक नहीं था, छपी हुई पीली चिट्ठियां नहीं हुआ करती थी, किसी मटके में भैंस की हुलिया रखी हुई, पहले मेले में हुलिया बनती थी कि भैंस के सींग इतने बड़े, मुंह ऐसा, पूछ ऐसी, रंग ऐसा। और मैं जल्दी जल्दी में जब पीली चिट्ठी मैडम लेके आया तो भैंस की हुलिया रख ला, और बच्चों के सामने जब मैंने पढ़ के सुनाई तो भाई ने न्योला जवाहर, जैसे अशोक गहलोत ने पुरानी कोई चिट्ठी पढ़ने का काम किया, मैं भी मैडम के पंचर ने पीट दिया होता भैंस को, इतना बड़े सींग, इतनी पूंछ, इतना ये। इस तरह की कहानी राजस्थान में जिस तरह का अत्याचार अन्याय हम देखते हैं भरतपुर जिले में, यहाँ के विधायक शौचालयों की राशि के आवंटन में भी कमीशन खाते हैं, यहाँ के विधायक प्रधानमंत्री आवास की किस्तों में भी कमीशन खाते हैं, यहाँ के विधायक थानों को बेच रहे हैं, यहाँ के विधायक आम जन के साथ गद्दारी करने का काम करते हैं। ये भरतपुर की जनता आदरणीय सतीश जी आपको विश्वास देती है, राजस्थान की कलमुई सरकार को उखाड़ करके फेंकिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। दोनों हाथे उठा करके विश्वास दिलाइए, बोलिए भारत माता। आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन।